गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर अकेडमी। डेट है आज 15 जुलाई। सो जुलाई शुरू हुए हो गए हैं, हाफ मंथ्स कंप्लीट। हमने कंप्लीट कर ली है अपनी लर्न टू अर्न सीरीज की टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हम आज आपको सिखा रहे थे। उसका ऑलमोस्ट 15 डेज कंप्लीट हो गए हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है हमारी टेक्निकल एनालिसिस। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नाम है शेयर अकेडमी। फ्रेंड्स, अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 2237 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं या फिर किसी भी तरह से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है इन वीडियोस से। और आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए। हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स, कि इस चैनल और इस टेलीग्राम ग्रुप का मकसद शेयर्स को थॉरली एनालाइज करना है, फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर। उसके बाद लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में रखना है अपने एक निवेश के तौर पर। हम यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं डीपली। सो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर या फिर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और इस संबंध में किसी तरह की कोई मदद ढूंढ रहे हैं, सो वी आर रियली सॉरी, शेयर अकेडमी आपकी इस संबंध में कोई मदद नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने लर्न टू अर्न सीरीज अपनी कंप्लीट की है तकरीबन 20 वीडियोस के तौर पर, और जहां पर हमने आपको बेसिक सिखाए हैं टेक्निकल एनालिसिस के, आप सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और ये अभी तक शेयर एकेडमी की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली प्लेलिस्ट के अंदर शामिल हो गया है। और आप सभी ने अब रिक्वेस्ट की थी शेयर एकेडमी से कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी बेसिक सिखाने की शुरुआत हम करें, और अपने उसी वादे के तहत हम आज ये वीडियोज़ लेकर आए हैं आपके लिए। फंडामेंटल एनालिसिस के दो वीडियोज़ इससे पहले हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जिनमें पहला था कि बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, और सेकंड कि फंडामेंटल एनालिसिस यूजफुल है या नहीं ग्राउंड पर। और आज हम इसी सीरीज़ का तीसरा वीडियो और कायदे से इस सीरीज़ का पहला वीडियो, जो कि आपको सिखाएगा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, वो लेकर आए हैं। सबसे पहला टॉपिक है मार्केट कैप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अगर आपके दिमाग में किसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर, तो उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह किसी एक डायरी में नोट करते रहिए। एक बार ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाती है, तकरीबन 20 वीडियोस के अंदर ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कि पूरे पूरे एक महीने लगेंगे। सो जुलाई के लास्ट में आप जो भी चाहे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इन बिटवीन अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं मिला है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर भी वो क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जो आपको पढ़नी चाहिए, उनके लिंक्स भी आपको इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट कैप क्या है। आमतौर पर आप जब भी कोई बिजनेस चैनल या फिर किसी यूट्यूबर को ये कहते हुए सुनते हैं कि करेंटली TCS की मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर चली गई है, या ये कंपनी मिड कैप की है, स्मॉल कैप की है या लार्ज कैप की, तो आमतौर पर आपकी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम इस पूरी सीरीज के अंदर बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको सिखाएंगे कि इन चीज़ों का क्या मतलब होता है। मार्केट कैप बेसिकली और कुछ भी नहीं है, फ्री मार्केट के अंदर जितने भी शेयर अवेलेबल हैं खरीद बेच के लिए। मान लीजिए किसी भी एक कंपनी का IPO जब आता है, तो कंपनी के टोटल शेयर्स मान लीजिए हैं 100। कंपनी का जो मालिक है वो अपने पास 60 शेयर रखता है और सिर्फ 40 शेयर मार्केट में अवेलेबल करता है IPO के तौर पर, यानी 40% अपनी कंपनी को लिक्विडेट कर रहा है और 40 शेयर मार्केट में उतारता है। अगर एक शेयर 1 रुपये का है और 40 शेयर उसने मार्केट में उतारे, तो आज की रेट में 40 शेयर गुड़े 1 रुपये प्रति शेयर का प्राइस, यानी 40 रुपये उस कंपनी की मार्केट कैप कहलाती है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्केट कैप से आखिर पता क्या चलता है हमको, क्यों ये पर्टिकुलर शब्द मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना जरूरी है। तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये कि जब कंपनी अपनी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होती है, जब कंपनी तुरंत के तुरंत पैदा है और उसकी बिल्कुल अभी अभी छोटी सी कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करने की तैयारी कर रही है और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से कम है, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 5,000 करोड़ रुपए से कम है, तो हम ये कहते हैं कि कंपनी स्मॉल कैप की है, यानी स्मॉल कैपिटलाइजेशन की है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कंपनी बिल्कुल अभी अभी पैदा हुई है, एकदम छोटी सी कंपनी है। छोटी सी कंपनी है तो इसका मतलब कि उसके पास में रिस्क भी ज़्यादा हैं। स्मॉल कैप की कंपनीज वो होती हैं जो गिरती मार्केट में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जिनकी पिटाई होती है। आपके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा स्मॉल कैप की कंपनीज का अगर रखना है, तो ये सोचकर रखना चाहिए कि मल्टी बैगर्स कंपनी वही होती हैं जो सबसे पहले स्मॉल कैप होती हैं। ये होती हैं बेसिकली मल्टी बैगर्स कंपनी। ओके, सेकेंड है मिड कैप। मिड कैप कौन सी कंपनी होती हैं? वो कंपनी जो स्मॉल कैप से थोड़ी सी बड़ी, स्मॉल कैपिटलाइजेशन होता है 5,000 करोड़ तक का। मिड कैप क्या होता है? 5,000 करोड़ से 2,000 करोड़ तक का, जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उन्हें मिड कैप कहते हैं। मिड कैप क्या है?
मिड कैप बेसिकली स्मॉल कैप से थोड़ी बड़ी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो मार्केट में तकरीबन 10-15 साल से हो, अच्छी खासी ग्रो कर गई हो और जिसका पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच का हो। तो आखिर मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में डिफरेंस क्या है? बेसिक बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर कोई कंपनी मिड कैप की है तो उसके अंदर स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्क रहता है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन को ध्यान में रखें। क्यों? मिड कैप का मतलब है कि कंपनी लंबे समय से मार्केट के अंदर इस्टेब्लिश है, धंधा अच्छा खासा कर रही है और स्मॉल कैप से थोड़ी बेहतर है, ये है मिड कैप। अगर एक स्मॉल कैप एक मिड कैप है तो इसका मतलब एक तीसरी कंपनी यानी लार्ज कैप की कैटेगरी भी होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल है, हर वो कंपनी जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है वो लार्ज कैप कहलाती है। तो लार्ज कैप का एक और दूसरा नाम भी है जिसे आप ब्लू चिप कहते हैं। बेसिकली ये वो कंपनियां हैं जिन कंपनियों को सेफ कंपनी माना जाता है, ITC, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ब्रिटानिया, नेस्ले, रिलायंस, ये सब जो बड़े बड़े नाम है ना जिन्हें ब्लू चिप्स कहते हैं, ये ब्लू चिप्स कंपनियां बेसिकली लार्ज कैप के अंदर आती हैं। तो अगर आपको मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप नए नए निवेशक हैं, तो आपको करना ये चाहिए कि आपको हमेशा लार्ज कैप कंपनियों में खरीदारी करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि कोई कंपनी ऐसे ही लार्ज कैप नहीं बन जाती जब उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, लंबे समय तक वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है मार्केट में रहते हुए, तभी वो कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप बनती है, मिड कैप से फिर लार्ज कैप बनती है, यानी सबसे बड़ा भाई बन जाती है। और अगर आपके पास मार्केट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सबसे पहला काम कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में निवेश कीजिए। और इस काम को करने से पहले कीजिए एक काम, कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि आप में से कितने लोग थे जिन्होंने आज से पहले किसी भी शेयर को खरीदने से पहले एक भी बार देखा था कि उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, वो कंपनी लार्ज कैप की है, मिड कैप की या स्मॉल कैप की, ये आपको पता था या सिर्फ अंधाधुंध शेयर बाय करते रहते थे। कमेंट बॉक्स में जाइए करंटली और बताइए कि आज से पहले आप में से कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये गलती की। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपनी गलती जानना, जब तक आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप गलती कर रहे थे, और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप गलती कर रहे थे तब तक आप गलती में सुधार नहीं कर सकते। अब हमारे लिए मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैप हम कैसे जान सकते हैं। सीधा सा लॉजिक है, moneycontrol.com पर आइए। ठीक है, देखिए आपके सामने खोलते हैं, ओके, moneycontrol.com खोलिए। खोलने के बाद सर्च बॉक्स में जाइए ऊपर और यहां पर डालिए इन्फोसिस या इन्फी। इन्फोसिस आ गया ऊपर, क्लिक कीजिए इन्फोसिस पर। यह पेज सामने आपके खुलकर आएगा। इस पेज में यहां पर मार्केट कैप आपके सामने दी है, कितनी मार्केट कैप है, 3,39,000। ये बेसिकली करोड़ में है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये ब्रैकेट में देख रहे हैं आप, रुपीज करोड़, रुपीज सीआर का मतलब करोड़। सो 3,39,000 करोड़ की मार्केट कैप है, इसका मतलब 3,39,000 करोड़ मतलब 20,000 करोड़ से ज्यादा, मतलब लार्ज कैप की कंपनी है इंफोसिस। तो यहां देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी स्मॉल कैप की, मिड कैप की या लार्ज कैप की है। ये इंफॉर्मेशन आपको मनी कंट्रोल के इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बॉक्स में आपको यहां पर मिलेगी। इसके अलावा आप BSE NSE पर भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या चाहे तो इन्वेस्टोपीडिया या फिर investing.in किसी भी वेबसाइट पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएंगी। हम आपको मनी कंट्रोल के ऊपर बताएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा हम इसी को इस्तेमाल करते हैं और यहां पर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईजिली अवेलेबल मिल जाती हैं। यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे मनी कंट्रोल का और इसी के बारे में बताएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों, आखिर क्यों मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बुरे वक्त में जब मार्केट का सबसे खराब समय चल रहा हो, इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में हो, तब ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में पार्क होता है। क्यों? लार्ज कैप्स ज्यादा गिरते नहीं हैं, स्ट्रांग कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास में ज्यादातर होती हैं, स्टेबल होती हैं, इनकी अर्निंग स्टेबल होती है, इसलिए ज्यादातर लोग पैसा लार्ज कैप में लगाते हैं। कभी भी मार्केट में जब बुरा वक्त आए तब अपना पैसा हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज, जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है लार्ज कैप्स, लार्ज कैप के अंदर पैसा लगाइए। सेकंड, जब इकोनॉमी का अच्छा समय आ रहा हो और इकोनॉमी निचले स्तरों से अप ट्रेंड में शुरू कर रही हो, तभी भी आप हमेशा लार्ज कैप में लगाइए पैसा। जब भी कभी भी इकोनॉमी रनअप शुरू करती है तो सबसे पहले लार्ज कैप्स भागते हैं, सेकंड नंबर पर मिड कैप्स भागते हैं, थर्ड नंबर पर स्मॉल कैप्स भागते हैं। तो आपको यह इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इकोनॉमी के किस ट्रेंड के अंदर आपको कौन से सेक्टर, कौन से कैप्स के अंदर जाना है।
अगर इकोनॉमी का वीक टाइम चल रहा है तो सबसे पहले पिटते हैं लार्ज कैप और मिड कैप, और ऐसी शानदार पिटाई होती है कि शेयर ऊपरी स्तरों से 30-60% तक डाउन हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि इकोनॉमी का साइकिल कौन सा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमेशा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से शेयर उठाइए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मार्केट के बारे में तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि लार्ज कैप्स के अंदर ही पैसा लगाइए। 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर है कंपनी अगर, तभी उन कंपनियों में पैसा लगाइए, जब तक आप मार्केट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल नहीं कर लेते। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जाइए और ये बताइए कि आज से पहले कितनी बार ऐसा हुआ था जब आपने वाकई मार्केट कैप किसी भी कंपनी की देखी थी, जब आपको ये पता था कि ये कंपनी खरीदने से पहले ये मिड कैप की है, स्मॉल कैप की है या लार्ज कैप की। अगर नहीं पता था तो वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपने गलती से बाय की बिना ये जाने हुए कि ये लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। फ्रेंड्स, हर दिन एक टॉपिक लेकर आएंगे और उस एक टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ध्यान से देखते रहिएगा इस पूरी सीरीज को और सीखते रहिएगा, वन स्टेप एट ए टाइम, एक बार में एक चीज़ सीखते रहिए। और एट लास्ट हम आपको बताएंगे कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से एनालाइज आपको कब करना है। साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अच्छी कंपनीज मिड कैप और स्मॉल कैप की हमेशा मल्टी बैगर साबित होती हैं, इसलिए फंडामेंटल्स जब आप अच्छी तरह से सीख जाएं उसके बाद सबसे ज़्यादा वक्त फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का बिताइए स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में। यहाँ से जो बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपको मिलती हैं उन्हें अपने रडार पर रखिए। टेक्निकली जैसे ही इनके अंदर ब्रेकआउट मिलता है पोर्टफोलियो में इन कंपनीज को खरीद कर रख लीजिए, और ये कंपनियां आपके लिए लंबे समय में आपके पोर्टफोलियो को सबसे ज़्यादा मोमेंटम देने का काम करेंगी, ये आप देखेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहला स्टेप है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने से पहले उसका मार्केट कैप देखना कि कंपनी स्मॉल कैप की है, मिड कैप की या फिर लार्ज कैप की। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का जो ये सेशन है ये आपको पसंद आया होगा। कमेंट देना बहुत ज़रूरी है, अगर कमेंट देने में आपने कोताही की तो सेशंस आगे बनाने में हमारा भी फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। आपके कमेंट से हमें मिलता है मोटिवेशन ताकि जल्दी जल्दी तेजी के साथ में आपको सिखाएं। जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे उतनी जल्दी आप अपनी एनालिसिस शुरू कर सकेंगे। उम्मीद है कि आज का ये सेशन न केवल आपको पसंद आएगा बल्कि पसंद आने से भी ज़्यादा आपको कुछ सिखाएगा। और अगर ऐसा है और आपने कुछ भी सीखा है लेमैन लैंग्वेज में, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं, कोई जार्गन्स नहीं, कठिन शब्द नहीं, पूरी तरह से आपकी अपनी भाषा में ताकि आप सीख सकें एनालिसिस करना शेयर्स की फंडामेंटल। अगर पसंद आ रहा है ये सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स, साथ ही अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं हमारी मदद करना तो स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर से भी आप हमारी मदद कर सकते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर आप बुक्स ढूंढ रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक्स के लिंक भी मिल जाएंगे, इन्हें पढ़ना मत भूलिए। ये लिंक्स डायरेक्टली आपको अमेजोन की साइट पर ले जाएंगे, वहां से आप बुक्स परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपसे मुलाकात होगी इसी सीरीज के फोर्थ वीडियो के अंदर जो कि हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स करना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए जो हम आपसे हमेशा कहते हैं, दैट इज मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।